माई डियर फ्रेंड्स, हाउ इज इट गोइंग? वेलकम बैक टू हैप्पी बनो विद अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों हमारे गांव का एक बहुत पुराना टेंपल। दोस्तों इस टेंपल को दोस्तों 1728 में दोस्तों नदिया का महाराजा कृष्णचंद्र ने दोस्तों बनवाया था। दोस्तों ये टेंपल दोस्तों पहले भी था, लेकिन दोस्तों 1728 में नदिया का महाराजा कृष्णचंद्र ने दोस्तों इसको रीस्टैब्लिश किया था। और दोस्तों इस टेंपल का नाम है दोस्तों जुगोल किशोर टेंपल। दोस्तों आज की वीडियो में पूरा इस टेंपल को पूरा घूम के दिखाऊंगा, तो देर किस बात की, लेट्स एक्सप्लोर द टेंपल। इधर दोस्तों ये जो गेट आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, ये गेट ही दोस्तों इस मंदिर का अभी मेन गेट बन गया है। ये दोस्तों ये गेट पहले नहीं था दोस्तों, अभी इस गेट को बनवाया गया है। देखिए दोस्तों, इधर राधा कृष्ण का एक मूर्ति भी है दोस्तों, और इधर दोस्तों दीवार पे बहुत सारे भगवान का पेंटिंग भी है। ये दोस्तों कृष्ण है और अर्जुन है दोस्तों, और इधर क्या है देखते हैं। इधर भी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ही है दोस्तों, सांप के ऊपर विराजमान। ये देखिए दोस्तों, इधर हनुमान जी है, और इधर माता सीता और राम है, और इधर दोस्तों जगन्नाथ है दोस्तों भगवान, और इधर भगवान दोस्तों निताई गौर, और भी दोस्तों बहुत सारे भगवान हैं। और इधर दोस्तों मेला चल रहा था, अभी दोस्तों मेला ख़त्म हो गया है। ये साले सारे के सारे दोस्तों मेला का दुकान है दोस्तों। ये बांस से बना हुआ जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये जो मैदान है दोस्तों, ये मैदान, इस मैदान में ही दोस्तों मेला होता है। ठीक है, अभी जो ऑरेंज कलर का बिल्डिंग आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, यही है वो मंदिर। मैं अभी जा रहा हूँ इस मंदिर के तरफ। ठीक है, और दोस्तों इस मंदिर का दरवाज़ा दोस्तों पूरब की ओर है। ठीक है, पूरब की तरफ है, और दोस्तों ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और दोस्तों इस मंदिर के अंगीना में, अंगीना के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। इधर आप लोग देख पा रहे हो शायद, ये देखिए दोस्तों बड़ा सा एक पीपल का पेड़ है, और ये है दोस्तों मंदिर का गेट। ठीक है, मैं अभी अंदर जाऊँगा। बाहर दोस्तों, ये दोस्तों बाहर देखिए डिजाइन बहुत ही अमेजिंग दोस्तों डिजाइन है बाहर। ठीक है, और इस गेट से जब आप एंट्री लोगे, ठीक है, तभी दोस्तों आप लोगों को दिखेगा ये बड़ा सा पीपल का पेड़। दोस्तों जब आप इस पेड़ को गौर से देखोगे तो आप लोगों को ये छोटा छोटा ईंट का टुकड़ा लटका हुआ दिखेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो लोग पूजा करने आते हैं वो लोग भगवान से प्रार्थना करते वक्त इन टुकड़ों को पेड़ पे बांध देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे उनका मनोकामना दोस्तों पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, इस मंदिर की डिजाइन को देखिए दोस्तों, इधर एक परी बना हुआ है। देखिए बहुत ही पुराना मंदिर है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसको रेनोवेट करके बहुत ही बढ़िया करके रखा गया है। ये देखिए दोस्तों, इधर दोस्तों एक गणेश का डिज़ाइन है, गणेश का मूर्ति है दोस्तों। और दोस्तों मंदिर के छत को देखिए दोस्तों, ये दोस्तों काठ से बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पूरा ऊंट का बना हुआ है ये मंदिर, मंदिर का छत। और दोस्तों बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन से दोस्तों इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, इस मूर्ति को देखिए दोस्तों, कितना अमेजिंग लग रहा है। ठीक है, और इधर दोस्तों एक मोर बना हुआ है, और ये दोस्तों बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारा रूम है दोस्तों इधर अलग अलग भगवान के लिए। वो सब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं अलग से शॉट लेके रखा हूँ उसके लिए। देखिए दोस्तों डिजाइन को देखिए, कितना अमेजिंग है मंदिर का डिजाइन। ठीक है, इधर दोस्तों ये दोस्तों इलेक्ट्रिक ढोल है दोस्तों, ये दोस्तों मंदिर में जब पूजा होता है इनको बजाया जाता है। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आप लोगों को भगवान की दर्शन करवाता हूँ। इस मंदिर में दोस्तों अलग अलग रूम में भगवान श्री कृष्ण और राधा की किशोर मूर्तियों को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे लोग अगरबत्ती जलाते हैं। ये है दोस्तों हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों इस रूम में राधा और कृष्ण की एक और किशोर मूर्ति देखिए आप लोग।
दोस्तों रंगीन कपड़ों में राधा और कृष्ण की किशोर मूर्ति को दोस्तों देखिए कितना अच्छा लगता है देखने में। दोस्तों इन मूर्तियों को देखिए, सिंहासन के अंदर रंगीन कपड़ों के साथ दोस्तों सोने की मुकुट पहना के दोस्तों सजाया गया है। दोस्तों इस रूम में है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का किशोर मूर्ति, देखिए आप लोग। इस रूम में राधे और गोविंद का एक और किशोर मूर्ति, देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है देखने में। दोस्तों मंदिर का अंदर का नज़ारा तो आप लोगों ने देख लिया, अब खिलती हुई सूरज में थोड़ा सा मंदिर का बाहर का नज़ारा भी देख लीजिए। दोस्तों ये है इस मंदिर का बाहर का नज़ारा, ये देखिए दोस्तों। आज दोस्तों रथ है इसलिए दोस्तों रथ को भी बाहर निकाला गया है, ये देखिए। दोस्तों मंदिर के सामने की दो पिलर में अलग अलग पेंटिंग किया हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने देखा बजरंग बली का पेंटिंग, उसके बाद दोस्तों एक और भगवान की पेंटिंग, उसके बाद दोस्तों और भी कुछ पेंटिंग। दोस्तों 1728 में भी कितना बेहतरीन डिजाइन से इस मंदिर को बनाया गया था, देखिए आप लोग। उस टाइम में भी कितना बेहतरीन इंजीनियरिंग था, ठीक उसी तरीके से दोस्तों इस पिलर में भी सबसे पहले हनुमान जी का पेंटिंग, उसके बाद दोस्तों भगवान ब्रह्मा का पेंटिंग, उसके बाद दोस्तों कुछ और लड़कियों का पेंटिंग, उसके बाद दोस्तों कुछ और पेंटिंग है, देखिए आप लोग। मैं अभी दोस्तों इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गंगाराम नाम का एक आदमी दोस्तों वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण का एक किशोर मूर्ति को लेकर दोस्तों वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों समुद्रगढ़ नाम की एक जगह पे दोस्तों उसको प्रतिष्ठित किया था। उसके बाद दोस्तों उस मूर्ति का वहाँ पे पूजा भी होता था, लेकिन दोस्तों उस टाइम बंगाल में दोस्तों बर्गियों का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए दोस्तों गंगाराम जी ने उस मूर्ति को लेकर दोस्तों अरंगघटा चलाया था अपने दोस्त दोस्तों राम प्रसाद के पास, ठीक है। और दोस्तों उस टाइम पे राम प्रसाद दोस्तों महाराजा नदिया का महाराजा कृष्णचंद्र का दोस्तों कर्मचारी था, ठीक है। और दोस्तों राम प्रसाद जी के मदद से गंगाराम जी ने उस भगवान श्री कृष्ण के उस किशोर मूर्ति को दोस्तों यहाँ पे प्रतिष्ठित किया था, ठीक है। और दोस्तों उस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा होता था। बाद में दोस्तों महाराजा कृष्णचंद्र के सपने में आदेश मिला कि कृष्ण नगर में उनका जो पैलेस है वहाँ पे दोस्तों मिट्टी के नीचे एक राधा का मूर्ति है, ठीक है। वो उस मूर्ति को वहाँ से उठाकर दोस्तों यहाँ पे लाके प्रतिष्ठित करें, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के साथ। उसके बाद दोस्तों भगवान महाराजा कृष्णचंद्र ने उस मूर्ति को वहाँ से उठा के दोस्तों नदी के रास्ते अरंगघटा आके दोस्तों श्री कृष्ण के किशोर मूर्ति के साथ राधा की मूर्ति को दोस्तों यहाँ पे एक साथ प्रतिष्ठित किया। और उस टाइम पे महाराजा कृष्णचंद्र दोस्तों यहाँ पे खुद प्रेजेंट था, दोस्तों प्रेजेंट रह के दोनों मूर्ति का पूजा करवाया था और दोस्तों यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा का दोस्तों मिलन भी करवाया था, इसलिए दोस्तों और दोस्तों उन्होंने ही दोस्तों इस दोनों मूर्ति का नाम दोस्तों जुगल किशोर रखा था, ठीक है। और उसके बाद से ही दोस्तों इस मंदिर का नाम भी दोस्तों जुगल किशोर हो गया। और दोस्तों यहाँ पे एक मेला भी होता है, इस मेला का नाम भी दोस्तों जुगल किशोर हो गया। और दोस्तों हमारा जो म्यूनिसिपलिटी है, मतलब म्यूनिसिपलिटी तो नहीं होता है गाँव में दोस्तों, गाँव में होता है पंचायत, पंचायत का नाम भी दोस्तों जुगल किशोर है। और दोस्तों हमारा एक हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल का नाम भी दोस्तों जुगल किशोर है, ठीक है, उसी से ही दोस्तों सब आया है, ठीक है। और दोस्तों जब महाराजा कृष्णचंद्र ने दोस्तों यहाँ पे राधा और कृष्ण का दोस्तों पूजा करके मिलन करवाया था, उस टाइम पे दोस्तों कृष्णचंद्र ने यहाँ पे एक मेला का आयोजन भी किया था, ठीक है। और दोस्तों उस मेला का नाम है दोस्तों जुगल मेला, ठीक है। इस वीडियो से पहले दोस्तों प्रीवियस वीडियो आप लोग चेक कर लेना, मैंने दोस्तों जुगल मेला के ऊपर भी दोस्तों वीडियो बनाया है, आप लोग जाके दोस्तों मेरे चैनल में जाके दोस्तों उस वीडियो को भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। ये है दोस्तों इधर का गौशाला, ठीक है, इधर दोस्तों गाय रहता है, मंदिर का गौशाला है, ये देखिए गाय इधर है दोस्तों, बहुत सारे गाय है। और उधर भी थोड़ा सा ये जो सारा जगह आप लोग देख पा रहे हो ना, इधर सारा का सारा जगह पे दोस्तों गाय रहता है, ये टीन से दोस्तों जो बना हुआ है, इधर दोस्तों गाय रहता है। मैं अभी दोस्तों इस गौशाला के अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना साफ़ सुथरा है, देखिए ये देखिए दोस्तों कितना साफ़ सुथरा है, पूरा साफ, बिल्कुल साफ सफाई करके रखा है इधर का लोगों ने, ठीक है। और दोस्तों इधर से मैं जब निकलूँगा
ये है दोस्तों मंदिर का पीछे का पोर्शन, देखिए आप लोग, ठीक है। ये है मंदिर का पीछे का पोर्शन। और दोस्तों वो जो गेट आप लोग देख पा रहे हो ना, उस तरफ दोस्तों किचन है, मंदिर का किचन, ठीक है। ये है दोस्तों पीछे, पीछे में भी बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है। इधर एक और बिल्डिंग है, ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी है इधर, ठीक है। और उस तरफ भी दोस्तों कुछ है, उधर एक सीढ़ी है, ठीक है। उधर भी मैं आप लोगों को लेके जाके दिखाऊंगा, ठीक है। और इधर दोस्तों एक लेन है, ठीक है। ये है दोस्तों एक लेन। इस लेन से अगर बाहर जाओगे तो बाहर लोगों को दोस्तों नदी दिख जाएगा। दोस्तों ये है इस मंदिर का ऊपर का नज़ारा, ये देखिए। ये है दोस्तों मंदिर का छत, ठीक है। और ये है दोस्तों वो पीपल का पेड़, ठीक है, बड़ा सा पीपल का पेड़ इधर। और दोस्तों आज बहुत लोग आए हैं मंदिर में, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज रात को निकाला गया है, ठीक है। रात में सब लोग पूजा कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पूजा हो रहा है अभी दोस्तों। दोस्तों ये है इस मंदिर का पीछे का नज़ारा, देखिए आप लोग, ठीक है। ये पूरा का पूरा जगह जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये पूरा दोस्तों मंदिर है। और ये दोस्तों जो पंडित लोग रहते हैं यहाँ पे, उनका जो वो लोग यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों के लिए सारे के सारे घर है दोस्तों। और मंदिर दोस्तों उस तरफ है, ठीक है। और दोस्तों इधर एक भोलेनाथ का मंदिर है, ठीक है। और इस तरफ है दोस्तों नदी, मैं अभी आप लोगों को नदी भी आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जाके अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों भोलेनाथ का मंदिर, इधर थोड़ा सा सीढ़ी बना हुआ है अंदर जाने के लिए। ये भोलेनाथ का मूर्ति, लिंग, शिवलिंग। दोस्तों ये है वो नदी, जिस नदी के बारे में मैं बात कर रहा था दोस्तों। इस नदी का नाम है दोस्तों चूर्णी नदी, ठीक है। महाराजा कृष्णचंद्र दोस्तों कृष्णनगर से राधा की मूर्ति लेकर दोस्तों इसी नदी के रास्ते दोस्तों इसी घाट में आके उतरा था दोस्तों, ठीक है। ये है वो घाट, ये देखिए लोग अभी इधर नहा रहे हैं दोस्तों। ये नदी दोस्तों बिल्कुल मंदिर के पीछे है, ठीक है, मंदिर के पश्चिम दिशा। दोस्तों मैं अभी बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कैसे आओगे। दोस्तों अगर आप सियालदह की तरफ से आ रहे हो तो सियालदह से आपको पकड़ना पड़ेगा दोस्तों सियालदह गिदे लोकल ट्रेन, ठीक है। सियालदह गिदे लोकल ट्रेन पकड़ के दोस्तों आप अरंगटा रेलवे स्टेशन में आपको आके उतरना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों अरंगटा रेलवे स्टेशन से दोस्तों पश्चिम की पश्चिम दिशा में दोस्तों 5 मिनट पैदल चलने से दोस्तों आपको ये मंदिर मिल जाएगा। और दोस्तों आप किसी से पूछ भी सकते हो कि जुगल मंदिर कहाँ पे है, कोई भी आपको दिखा देगा, ठीक है। और दोस्तों सियालदह से अगर आपको गिदे लोकल ट्रेन नहीं मिलता है तो आप कोई भी रानाघाट लोकल ट्रेन पकड़ सकते हो दोस्तों, जैसे कि कृष्णनगर लोकल या फिर लाल गोला या फिर शांतिपुर लोकल, कोई भी ट्रेन पकड़ के दोस्तों आप रानाघाट में आके उतरिए और रानाघाट से गिदे लोकल पकड़ लीजिए। रानाघाट से भी अगर आपको गिदे लोकल ट्रेन नहीं मिलता है तो दोस्तों बास ऑटो पकड़ लीजिए, बास ऑटो का रूट भी है रानाघाट में। किसी से पूछ लेना कि आरंगटा जाने का बास ऑटो रूट कहाँ पर है, कोई भी आपको दिखा देगा, ठीक है। और दोस्तों बास ऑटो में आने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको दोस्तों इस मंदिर के सामने ही दोस्तों बास ऑटो आपको इस मंदिर के सामने ही आपको छोड़ देगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे जब भी आए दोस्तों जून महीने के 5-6 तारीख के बाद ही आए, क्योंकि दोस्तों पूरा जून महीना दोस्तों यहाँ पे मेला चलता है। आप लोग ये मंदिर को भी देख पाओगे और दोस्तों ये मेला को भी आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आप दोस्तों इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।